हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है एपीआई टेस्टिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ एपीआई एज वेल एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एपीआई। सो वी हैव कंप्लीटेड द टू इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, राइट। तो पहला पार्ट हम लोगों ने सीखा कि क्लाइंट कंपोनेंट कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं और क्लाइंट कंपोनेंट के थ्रू हम लोग फ्रंट एंड कैसे डिजाइन करेंगे, और सेकेंड फेज में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एपीआई को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और एपीआई को क्लाइंट के साथ कैसे कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट। एंड इन दिस एपीआई वी हैव कवर्ड द डिफरेंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट लाइक गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट एंड सो ऑन, राइट। तो अब जो बचा है हम लोगों का लाइफ साइकिल के अंदर में, वो लास्ट फेज है एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। And in this video, I will show you that how we will connect our API with our Mongo database. तो MongoDB के साथ अगर आप connection establish करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दो important चीजें चाहिए होगी। The first one is the MongoDB itself, right? So here is our MongoDB compass और यहाँ पे है हमारे पास MongoDB का connection string. And this connection string will help you to establish the connection between the Mongo database and Next.js, right? तो मैं यहाँ पे इसको अभी कॉपी कर लेता हूँ जो मुझे फ्यूचर में काम आएगा, और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, राइट। और कनेक्शन होने के बाद देखो यहाँ पे हमारे पास जितने भी डेटाबेस बने हुए हैं पहले से, वो सारे डेटाबेस है, राइट। और इस डेटाबेस के अंदर में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शंस हैं, and inside this collection there are some dummy data, right? These are called the documents. So actually हम यहाँ पे assume करके चलते हैं कि आपको थोड़ा बहुत idea होगा Mongo database का, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक separate video में इसकी बात कर लेंगे। अब हम लोग move करते हैं अपने दूसरे important phase के ऊपर, right? और दूसरा जो important चीज़ें चाहिए होगी वो चाहिए होगी आपको Mongoose, राइट। तो मोंगोज लाइब्रेरी हम लोगों को हेल्प करता है कि किस तरह से हम लोग नोड जेएस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं मोंगो डेटाबेस के साथ, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं अपने डेव सर्वर को अभी स्टॉप करता हूँ, राइट, और यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग मोंगोज। तो मोंगोज इंस्टॉल करने के लिए npm install एंड देन मोंगोज, राइट। तो यहाँ पे आपका मोंगोज इंस्टॉल हो जाएगा, और मोंगोज इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर से हम लोग अपने VS Code के ऊपर में आ जाते हैं, और आने से पहले यहाँ पे हम लोग डेव सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो npm रन डेव, नाउ कम बैक टू आवर VS Code, और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को पहले मैं क्लोज करता हूँ और एक फ्रेश कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, और वहाँ से आपको मैं बतलाता हूँ कि किस तरह से हम लोग Mongoose का हेल्प लेंगे और किस तरह से हम लोग Next.js को कनेक्ट करेंगे अपने Mongo डेटाबेस के साथ, राइट। तो पहले ही हम लोग चलते हैं अपने API के ऊपर में, और API के अंदर में हम लोग एक API राउट क्रिएट करते हैं, राइट। एंड इनसाइड दिस API आई एम क्रिएटिंग हियर द प्रोडक्ट फोल्डर, राइट। और प्रोडक्ट फोल्डर बनाने से क्या होता है ये आपको मालूम है, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक राउट नाम का फाइल, राइट। सो देयर इज अ राउट डॉट js, एंड इनसाइड दिस फाइल आई एम गोइंग टू क्रिएट अ गेट रिक्वेस्ट, right? So here I'm writing the export, and this should be the async function. So here is async function and get. अब ये क्यों लिखते हैं ये सब चीजें अब समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग पहले से जानते हो, right? And then return next response and then JSON, and inside this JSON you have to return an object, right? And now come to our API testing tool. And API testing tool के लिए हम लोग use किए थे Thunder client. तो मेरे पास Thunder client है, मैं यहाँ पे इसको use कर लेता हूँ। अभी मैं Postman को use नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके लिए मुझे फिर से switch करना पड़ेगा अलग software में। तो मैं चाहता हूँ कि VS Code के अंदर में रह करके ही API testing कर लिया जाए, right? So here is API testing and this is a YouTube and we have the different request. तो यहाँ पे हमारे पास जो get request है, और गेट रिक्वेस्ट के अंदर में मैंने बनाया था प्रोडक्ट एंड सेंड द रिक्वेस्ट। सो वी हैव गॉट द एक्सपेक्टेड आउटपुट टेस्टिंग एपीआई, ऑलराइट। सो आवर बैकएंड एपीआई इज वर्किंग फाइन,
एंड नाउ हेड ओवर टू आवर route.js. अब इसके बाद जो फेज बचा है वो बचा है हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए कोड लिखना. तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने ऐप के ऊपर में और ऐप के अंदर में एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और उस फोल्डर का नाम रख लेते हैं हम लोग MongoDB, राइट. क्योंकि मुझे MongoDB के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने हैं तो उन सारे चीज़ों को हम लोग रखेंगे MongoDB के अंदर. आप कुछ भी रख सकते हो. यहाँ पे कुछ लोग लाइब्रेरी ले लेते हैं, लिब करके बना लेते हैं, या फिर रिसोर्स बना लेते हैं, समथिंग, कुछ भी आपके ऊपर डिपेंड करता है. इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू गिव द नेम लाइक MongoDB, राइट. सो कनेक्टिविटी करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं डीबी कनेक्शन, राइट. सो डीबी कनेक्शन डॉट js और इसके अंदर में मुझे डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखना है. तो सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लो मांगोज को, क्योंकि वही हमको हेल्प करने वाला है. सो हेयर इज अ मांगोज. नाउ क्रिएट अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड द डीबी कनेक्ट, राइट. आप कोई भी फंक्शन नेम बना लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है. और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एरो फंक्शन. अब यहाँ से हम लोगों को डीबी कनेक्शन करना है तो सबसे पहले मैं करता हूँ mongos डॉट कनेक्ट एंड दिस मेथड विल हेल्प यू टू इस्टेब्लिश द कनेक्शन, राइट. और इसके लिए अंदर में हमको पास करना पड़ेगा कनेक्शन स्ट्रिंग जो मैंने कॉपी किया था, आपको याद होगा. तो ये मैंने कॉपी किया और इसके बाद आपको किस नाम से डेटाबेस बनाने हैं उस डेटाबेस का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है. So we have not created any product database. So I am using the product database name. तो यहाँ पे आप डाल दो product, right? और ये हमारा connection establish कर देगा. लेकिन connection establish करने के बाद ये एक promise return करता है. तो promise को handle करने के लिए हम लोग use करते हैं await. और आपको पता है कि जब हम लोग await करते हैं तो उसके लिए जो function होता है वो asynchronous function होगा, right? अब आप इसमें अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड भी आप लिख सकते हो. तो ट्राई ब्लॉक के अंदर में हम लोग इसको रख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग रिसीव कर लेते हैं कैच. सो हेयर आई एम रिसीविंग द कैच एरर एंड इफ एनी एरर अकर्स देन आई एम जस्ट गोइंग टू शो द एरर मैसेज. सो कंसोल डॉट लॉग एंड प्रिंट द एरर, राइट. एंड आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द कनेक्शन आई वॉन्ट अ कन्फर्मेशन that okay the database has been connected. तो यहाँ पे आप रख लो क्या console log and then display the message. message क्या करो. so here is db connected, right. so that's all. this will connect our mongo database. अब इसको हम लोग कैसे test करेंगे. तो सबसे पहले इस function को आप export कर दो so that हम लोग इसको API के अंदर में import कर लेंगे, right. so here is export and default and db connect, right. तो इस db connect को आप import कर लोगे कहाँ पे, route के अंदर, right. और db connect कहाँ पे, आप ये देख लेना db connection dot js के अंदर है. all right. so here I am just importing the db connect, right. और db connect हम लोगों को मिल जाएगा कहाँ पे, तो app के अंदर mongodb और उसके अंदर db connection. अब यहाँ से हम लोगों को क्या चाहिए होगा कि डीबी कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इसको हम लोगों को चेक करना है. तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं await एंड देन डीबी कनेक्ट, राइट. और अभी देखो जस्ट आप गेट रिक्वेस्ट करके चेक कर लो, अगर ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो आपको एक मैसेज मिल जाएगा सर्वर पे. कौन सा मैसेज मिलेगा कि हमारा यहाँ पे डीबी कनेक्टेड. All right. So let's come to our Thunder client and here is our product and click on this send button. Okay, so we have not got any error message. Status 200. Okay. And then come to our server and check. Yes. The DB connected. अब जो next part बचा है वो बचा है आपका कि database model create करना. और डेटाबेस मॉडल को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे और उसके अंदर में कैसे हम लोग डेटा को इंसर्ट करेंगे एंड दैट ऑल पार्ट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.